अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और जॉब की तैयारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं आपके लाया हूँ फोर्थ चैप्टर जो कि बायोलॉजी है नाइन्थ क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ इसके एमसीक्यू शेयर करूँगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ये चैप्टर फोर है जी। इसमें पहला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 0.2 माइक्रोमीटर। उसके बाद है हाउ मच मिलीमीटर इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो इसका जो राइट है वो हमारे पास 0.1 है। उसके बाद है केमिकल मैटर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द वुड इज़, तो इसका जो राइट है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स बी। उसके बाद है बकीएस्ट सेल्स आर ए बी सी एंड डी दिया गया, तो राइट हमारे पास है ए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन फाइव की जानिब। तो उसमें पहला है द डायमीटर ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज, तो ये है हमारे पास 8, सी है यानी कि इसका। उसके बाद है 6 द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 7 है हमारे पास द सॉल्यूशंस दैट हैज अ लेस सॉल्यूट इज कॉल्ड, सी। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारे पास है बी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट फर्स्ट माइक्रोस्कोप, दूसरा है राइट रेजोल्यूशंस पावर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बाद तीसरा है What are the concept of Jean Baptiste D. Lamarck about cell? अब चलते हैं 4 की जानिब। Where chromosomes found? What is their compositions? उसके बाद 5 है Draw the diagram of mitochondria and write the name of its two part. उसके बाद है 6 How active transport is different from passive transport? क्वेश्चन 3 है, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहला है व्हाट इज माइकोप्लाज्मा राइट इट्स साइज, उसके बाद दूसरा है डिफाइन सोडियम पोटाशियम पंप, तीसरा हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिगोसाइटोस एंड पाइनोसाइटोसिस, उसके बाद है 4 व्हाट इज मेंट बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, 5 व्हाट आर स्केलरी साइमा टिश्यूज, उसके बाद है 6 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, उसके बाद है 7 नेम द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, उसके बाद 8 है व्हाट इज मेंट बाय कॉलन काइमा टिश्यू। अब चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास पहला लॉन्ग है जी क्वेश्चन 4, इसके 2 पार्ट्स हैं। ए है राइट 3 मेन प्रिंसिपल्स पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, दूसरा व्हाट आर प्लास्टिड्स गिव देयर टाइप्स एंड फंक्शंस, उसके बाद 5 ए है स्टूडेंट्स हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट्स सेल साइज एक्सप्लेन, और लास्ट पे हमारे पास एक्सप्लेन द स्पोर टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चैप्टर 4, इसके हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए। तो स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेंगे, 100% मार्क्स लेंगे। स्टूडेंट्स हमारी दुआ है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें। तो जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे, हमारी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके वो लाजमी तौर पे फॉलो करें और फिर ये हमारी लेटेस्ट वीडियोस का भी इंतज़ार करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली हमारे चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको किस जगह पे कोई भी ट्रबल आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।